जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मॉब लिंचिंग कर फायरिंग के 5 आरोपी गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर मॉब लिंचिंग कर फायरिंग के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के में मुख्य पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे भी शामिल हैं। 9 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मॉब लिंचिंग कर फायरिंग के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर 9 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर मॉब लिंचिंग कर फायरिंग के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे भी शामिल हैं। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर मॉब लिंचिंग कर फायरिंग के 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी के साथ आरोपियों में पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे भी शामिल हैं। 9 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मॉब लिंचिंग कर फायरिंग के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे भी शामिल हैं। इसी के साथ जबलपुर से हमारे साथ संवाददाता दिनेश चौधरी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या कुछ अपडेट है? 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं मॉब लिंचिंग केस में, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? एक बड़ा ही मामला था, जो रेता अवैध रेत उत्खनन को लेकर पिछले कुछ दिनों पूर्व भी, जो पूर्व बीजेपी के पूर्व विधायक प्रसाद सिंह के लड़के भोलू सिंह और इनके साथी दर्जन भर लोगों द्वारा गांव में एक गोलीबारी की गई थी, जिसको लेकर पुलिस और क्राइम ब्रांच काफी दिनों से इनके पीछे लगी हुई थी। वहीं पर इनका जो इनके पूर्व में 9 आरोपी हैं, 9 युवकों को गिरफ्तार किया जा चुका था, और अभी जो है 5 लोगों को और गिरफ्तार किए गए, जिसमें से मुख्य आरोपी गोलू सिंह जो है प्रतिभा सिंह के जो सुपुत्र है, बीजेपी के पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह है, जो इनका काफी लंबे समय से रेत और अवैध उत्खनन को लेकर और गुटबाजी को लेकर ऐसे कई संगीन बड़े मामले हैं जो इनके फरार चल रहे थे, इससे को लेकर अभी क्राइम ब्रांच और बेलखेड़ा पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। कुल अभी तक मिलाकर 14 आरोपी जो है इनमें गिरफ्तार हो चुके हैं, और अभी पुलिस की टीम और सरगर्मी से जो अन्य बचे हुए जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। जी नन्नी जी जी, इसी के साथ दिनेश जी, पूर्व भाजपा विधायक के बेटे भी शामिल हैं गिरफ्तारी में, उनके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही विधायक की? जी, ये एकदम सही बात है कि जिस प्रकार से पूर्व विधायक रही हैं बीजेपी से, पूर्व विधायक है प्रतिभा सिंह जो बरगी विधानसभा से थी, अभी इस बार नहीं है, पर इसके पूर्व विधायक जो है इनके जो जो लड़के हैं बोलू तो इनका काफी अवैध कामों में लिप्त, रेत खनन को लेकर काफी गुटबाजी भी हुई है। इसके पहले भी बलवा और अन्य प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया जा चुका था, जहाँ पर जो कूड़ा कला गांव है वहाँ रात्रि में रेत खनन को लेकर पूरे कम से कम 100 से ज्यादा जो युवकों के साथ ये कई गाड़ियों में पहुंचे थे और पूरे गांव में तोड़फोड़ मारपीट की थी और गोली भी चलाई थी, जिसको लेकर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थी, पर ये जो आरोपी है मुख्य आरोपी गोली सिंह ये फरार हो चुके थे, और उसी के चलते एसपी और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो सरगर्मी से शराब की जा रही थी, और अभी ये इसके पूर्व में 9 आरोपी हैं ये गिरफ्तार हो चुके थे। गोलू सिंह और इनके साथ साथ 4 आरोपियों को भी और गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस अभी अन्य मामले में भी इनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी जी, धन्यवाद दिनेश जी हम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर मॉब लिंचिंग में फायरिंग में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें पूर्व भाजपा विधायक का बेटा भी शामिल है। इसी के साथ इसके पहले पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मॉब लिंचिंग कर फायरिंग के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बढ़ेंगे आई खबरों की ओर।